पिछड़ी तो इज्जत तो बेड़ा पा रहे हैं। जैसा आपको चालू वीडियो में बताया था कि गाय हो सकता है कुछ ही देर में बच्चे को जन्म दे। कृष्ण जी भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आज कितनी गाय दिखा रहे हो जी? आज टोटल 3-6 गाय है जी। 6 गाय है जी। आपकी सभी गायों के बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे व्यूअर्स, आप भी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक गाय तो अभी कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है जिससे बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ जी। कंप्लीट डिटेल आपसे जानेंगे और साथ ही साथ ये भी थोड़ी देर में ही जान जाएंगे कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है या बछड़े को जन्म दिया है। हाँ जी। आप व्यूवर्स भी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बेहद शानदार अडर क्वालिटी की गायें आज के वीडियो में आपको अंत तक वीडियो दिखाएंगे, साथ ही भाई साहब से कीमत भी जानेंगे। सबसे पहले भाई साहब का एड्रेस जान लेते हैं, आपका एड्रेस शेयर कीजिए भाई साहब। गांव बालासर है जी। ठीक है जी भाई साहब। और यहाँ तहसील डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा जी? तहसील रानिया है जी, जिला सिरसा। ठीक है जी भाई साहब। राज्य हरियाणा। अच्छा जी। मोबाइल नंबर और दे दो जी साथ साथ अपने। मोबाइल नंबर है जी मेरा 99928 25349। ठीक है जी भाई साहब। व्यूअर्स आप देख पा रहे होंगे गाय उम्मीद करते हैं कि चालू वीडियो में ही बच्चे को जन्म दे दे और आप जान पाए कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है या बछड़े को जन्म दिया है। बेहद शानदार क्वालिटी का आर्डर डेवलप हुआ है और ताज़ा ब्याने ही वाली है कुछ ही देर में। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, इस गाय के बारे में भी आपके साथ पूरी डिटेल साझा। सबसे पहले इसी गाय के बारे में डिटेल दे दो जी, ये कौन सी नस्ल है भाई साहब? साहिवाल में है जी। साहिवाल ब्रीड की है। हाँ जी, पहले ब्यांत में है। अच्छा, फर्स्ट लैक्टेशन में है। हाँ जी। मुँह से कितने दांत है जी? ये मुँह से 6 दांत है जी। 6 दांत है, पहले ब्यांत में है। हाँ जी। तो दूध तो जबरदस्त बना रखा होगा जी? दूध इसने 10 किलो दूध बना रखा है जी। अच्छा जी। हाँ, जो इसकी बछड़ी है हम तो वो ब्रीडिंग पे इसकी तैयार करना चाहते हैं नीचे। अच्छा। काटी बछड़ी। ये जो बछड़ी है ये इसी की है? हाँ जी, इसी की बछड़ी है जी। अच्छा, ये कौन से बुल की है जी? कुछ ये केसरिया बुल की है जी, जो संत नगर है। केसरिया बुल संत नगर वाला? हाँ, डेरे वाला। उसकी बछड़ी है? उसकी बछड़ी है। तो प्योर है जी बछड़ी भी? प्योर है जी, प्योर बछड़ी है, साहिवाल ब्रीड में है। व्यूअर्स देख पा रहे हैं आप बछड़ी काफी शानदार है। गाय का बताइए जी कितने दिन की ब्याई होगी जी? 20 दिन की ब्याई होगी जी। 20 दिन की ब्याई हुई है? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब। और दूध बता रहे हो आप 10 लीटर रेडी है इसका? हाँ, 10 लीटर दूध है और बगैर न्याणे की है। अच्छा जी। हाँ, जो बात है कस्टमर को बता के देंगे, न्याणा नहीं लगवाती गाय। न्याणा नहीं लगवाती? हाँ जी। मिल्किंग करवा दोगे जी? हाँ, करवा देंगे जी। वीडियो कॉल पे कोई देखना चाहे तो? हाँ, करवा देंगे। ठीक है जी भाई साहब। पर हम तो निकालते नहीं, पूरा का पूरा 10 का 10 बछड़ी पी रही है। अच्छा, बछड़ी पी लेती है? हाँ, बछड़ी। बछड़ी को ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो इसलिए बछड़ी को पिला देते हो पूरा ही दूध? बछड़ी को पिला रहे हैं। झालर गलकंबल बड़ा भारी है जी इस बछड़ी के अंदर। क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। हाँ, थन भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिखाइए जी, बहुत थन दिखाओ, है। थन दिखाओ जी, बछड़ी के भी थन देख लेते हैं। हाँ, गायों के तो रोजाना ही थन देखते हैं जी। पायल दिखाओ आज आपकी। अच्छा, पायल नाम है इसका? हाँ, जी पायल है जी। पायल, ठीक है जी। पायल के थन देखते हैं जी। दिखा भाई, मेरी आंगली दुखे। ओ, कितनी कितनी उम्र है जी? 20 दिन हुई है जी। 20 दिन? हाँ जी। 20 दिनों में ही इसके तो अच्छे अच्छे छोटे छोटे थन निकल के आए जी। ऑर्डर की क्वालिटी ये देखो। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड कवर करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट रुक लीजिए, रोक लीजिए। ये देखो। हाँ, अडर की क्वालिटी देखो, बहुत जबरदस्त बनेगी जी। हाँ, शानदार चीज, शानदार साहिवाल है। हाँ जी। भविष्य में जो बड़ी बड़ी गायें हम देखते हैं अभी, हाँ जी, वैसी भविष्य में तैयार होगी ये बछड़ी। ठीक है जी। कीमत बताइए जी भाई साहब, इस गाय की क्या डिमांड करोगे? देखो जी, अगर उस वैसे देखें, बछड़ी को देखें तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ। क्योंकि जिस दिन 8 मंथ की बछड़ी होगी कोई कीमत नहीं, लाखों में गिनी जाएगी, लाखों में गिनी जाएगी। हाँ, अगर कोई कस्टमर अगर लेना चाहता है, मैं उसे भी ये कह दूंगा भी बछड़ी को दूध पूरा पिला के तैयार कर। अच्छा जी। अगर बाद में देगा तो लूंगा, पूरे पैसे दे के वापस ले लूंगा। वापस ले लोगे? वापस ले लूंगा। अच्छा, तो अभी कीमत क्या रखोगे? अब अगर आप कोई ब्रीडिंग पे काम कर रहा है और गाय और बछड़ी दोनों ले जाना है, अकेले हाँ। बछड़ी ले जाने वाले बहुत आते हैं पर देता नहीं, क्योंकि माँ का दूध पी रही है, अगर दूध नहीं पिएगी तो बछड़ी नहीं तैयार होगी, बछड़ी तैयार नहीं होगी। हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब। अगर अब कोई कस्टमर लेना चाहता है ब्रीडिंग पे काम कर रहा है तो पूरे 30,000 रुपए लूंगा जी। 30,000 रुपए गाय और बछड़ी दोनों के? दोनों के। ये तो सिर्फ बछड़ी बछड़ी की कीमत? हाँ, है जी। बछड़ी बछड़ी की कीमत है, गाय की तो आप कीमत ही नहीं लगा रहे हो। गाय की कोई कीमत नहीं है जी, बिल्कुल शरीफ, बहुत शरीफ है। हाँ जी, जैसे मर्जी नीचे बैठो दूध निकालो। हाँ। लेडीज जेंट्स जो मर्जी कोई भी दूध निकालो, कोई निकालो जी। हमने तो एक आजमाया है, बाकी दूध निकालता नहीं हूँ, पूरा बछड़ी पी रही है।
पूरा बछड़ी को ही पिला देते हो? हाँ जी। और अगर कोई निकाल के दूध देखना चाहे तो देख सकता है? देख सकता है। ठीक है जी, बस न्याना नहीं लगा दिखाऊंगा एक ही टाइम का, क्योंकि दूसरे टाइम बछड़ी को भूखा नहीं रखूंगा, ले या ना ले। अच्छा जी, जो दूध है वो एक टाइम दिखा दोगे, दूसरे टाइम दिखाओगे ही नहीं? हाँ, क्योंकि अभी तासड़े में पीना नहीं शुरू किया। अगर अच्छा, तासड़े में छोटी है। हाँ, अगर तासड़े में पीती तो दोनों टाइम का दिखा के इसी पिला देता। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। दूसरी गाय भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी डिटेल दे दो जी। ये कौन से ब्यांत में गाय? पहले ब्यांत में है जी। ये भी पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में। ये दोनों ही जो पास में खड़ी हुई है जी, दोनों ही पहले पहले ब्यांत की? हाँ, दोनों पहले ब्यांत में है। एक पहले ब्यांत दो परे को खड़ी है। अच्छा, वो भी पहले ब्यांत? वो भी पहले ब्यांत की है। चार गाय आपकी आज के वीडियो में पहले ब्यांत वाली है जी। ठीक है, दो दूसरे ब्यांत की है, दो दूसरे ब्यांत वाली है। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल शेयर कीजिए इस गाय के बारे में। पहले ब्यांत की है जी, मुंह से चार दांत है। अच्छा, मुंह से ये चार दांत है? चार दांत है। बिना सींग वाली है? बिना सींग में है, बिल्कुल शरीफ है। ठीक है जी, प्रेग्नेंट है जी? प्रेग्नेंट है जी, अभी ब्याने में मान के चलो 15 से 12 दिन बाकी है, 12 से लेके 15 दिन तक, 10-12 दिन के आसपास आसपास। हाँ जी। ठीक है जी, अंडर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है बछड़ी का। हाँ जी। और भाई साहब बता रहे हैं पहले ही ब्यांत में है, पहले ब्यांत, थनों पर हाथ फिरा रहे हैं फिर भी कोई गुदगुदी फील नहीं कर रही है। पहले ब्यांत में जनरली गायें गुदगुदी फील करती है, इस गाय में ऐसा स्वभाव नहीं है। ठीक है भाई साहब, दूध का क्या उम्मीद करें जिससे? उम्मीद है मेरा इसका पहले ब्यांत में उम्मीद है जी 13 से 14 किलो, 13-14 लीटर। हाँ। ठीक है जी भाई साहब, पहले ब्यांत में? हाँ, बिल्कुल प्योरिटी है, पतली चमड़ी की गाय, पतली चमड़ी की गाय है। साहिवाल नस्ल की गायों में वैसे भी घी ज्यादा होता है? हाँ, घी ज्यादा होता है। ठीक है जी, कीमत बताइए जी भाई साहब इस गाय के लिए। इसकी कीमत 55,000 रुपए है जी। 55,000? हाँ जी। 55,000 रुपीस? हाँ जी। कोई मोल भाव की या भाव कम करने की गुंजाइश है जी? आज की गाय जो बताऊंगा जी, जो पीछे वीडियो लगी, यूरस जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब कीमत ज्यादा बता रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो आज जो आपको कीमत बताऊंगा बिल्कुल बार्गेनिंग होगी। अच्छा, बिल्कुल फिक्स प्राइस होगा। फिक्स प्राइस होगा, बार्गेनिंग इसमें नहीं होगी। हाँ, कीमत पहले ही रीजनेबल बताओगे? हाँ, जो 2,000-3,000 बनाने हैं वो हाँ, बना के ही बताऊंगा। अच्छा, जो आपने अपना मार्जिन रखना है वो रखने वो के बाद ही कीमत बताओगे? हाँ। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी। अगली गाय भी देख लेते हैं आपकी। कृष्ण जी भाई साहब, इस गाय के बारे में भी डिटेल दे दो जी, ये कौन सी नस्ल है जी? साहिवाल में है जी। साहिवाल नस्ल, आज सभी गाय साहिवाल? टोटल साहिवाल की। आपकी 6 की 6 गाय साहिवाल ही आज? हाँ जी। एक तो जो अभी अभी ब्याने वाली है वो भी देखेंगे जी। हाँ जी। ठीक है जी, बिना सींग वाली है, ये कौन से ब्यांत में है जी? दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत में है? हाँ जी। ये प्रेग्नेंट है या ब्याह चुकी जी? ब्याने वाली है जी, अभी 10 दिन बाकी है। अच्छा, अर्डर तो काफी अच्छा ग्रो हो गया जी। हाँ, 10 से 12 ले सकती है, 9 नहीं लेगी पहले। अच्छा नहीं जी, क्योंकि अभी दिन पड़े हैं इसके, दिन पड़े हुए हैं अभी। हाँ जी। तो दूध कितना बना लेगी जी? ये पिछले ब्यांत में 14 लीटर नाप रखा है जी इसने। हाँ। उम्मीद है 16 किलो दूध, दूध तो 17 से 18 जा सकती है, पर हाँ, हम कस्टमर को 15 किलो कह के देंगे। अच्छा, आप 15 लीटर बोल के दोगे? हाँ जी, 15 लीटर ज्यादा दे वो उसकी काबिलियत हाँ, है जी। वो उसकी केयर है जी। केयर है, वो कैसी केयर करता हाँ, है? दूसरे ब्यांत में 6 दांत है, मुँह से 6 दांत, 6 ही दांत। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत इसकी बार्गेनिंग नहीं होगी जी, 70,000 रुपए की देनी है। 70,000? हाँ जी। 70,000 रुपीज? हाँ जी। बार्गेनिंग नहीं करोगे इसमें? नहीं करेंगे। बिना सिंग वाली और लंबी गाय है। हाँ जी। कुछ गायों की हाइट अच्छी होती है, मैं कह रहा हूँ जी इस गाय की लंबाई अधिक है। हाँ जी। जिन गायों में लंबाई अधिक होती है ब्रीडिंग के लिए वो सबसे बढ़िया होती है, शानदार होती है जी। हाँ जी। ये गाय ब्रीडिंग के लिए काफी शानदार है। हाँ जी। अच्छे सिमन रख के इस गाय से शानदार बछड़े और बछड़ियां लिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। ठीक है जी भाई साहब, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं। कृष्ण जी भाई साहब, इस गाय के बारे में डिटेल दे दो जी, ये भी साहिवाल नस्ल में? साहिवाल में है जी। कौन सा ब्यांत है जी? दूसरा। दूसरा ब्यांत है? हाँ जी। ये ब्याई भी लग रही है जी? परसों की ब्याई है जी। अच्छा जी। नीचे बछड़ी है, बछड़ी ले गया ये? हाँ जी। ये आपकी दूसरी गाय है जी जो बछड़ी वाली है? हाँ जी। एक तो वो जो नगीना है ही जी जिसके साथ में? हाँ जी। हाँ जी, साहिवाल नस्ल का ही? हाँ जी। और ये दूसरी गाय है जिसके साथ बछड़ी है? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, कंप्लीट डिटेल शेयर कीजिए। दूध कितना रेडी है जी? कुछ अभी मान के चलो खीस ही निकाल दिया जी, बछड़ी को पिला के 9 किलो खीस काट रही है। 9 किलो दोनों टाइम का? हाँ जी, 9 किलो दोनों टाइम का खीस निकाल रही है। जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वही बता रहा हूं। वही बता रहे हो? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, और दूध कितना उम्मीद कर ले जी? 14 किलो देगी जी दूध। दूध 14 किलो देगी? हाँ, दे तो 15 पर 14 कह के देंगे। अच्छा, आप 14 लीटर बोल के दोगे? हाँ जी। कीमत क्या रखोगे जी भाई साहब? कीमत इसकी 55,000 रुपए है जी। 55,000, 55,000 रुपीज? हाँ जी। ये भी फाइनल वाला प्राइस? हाँ, फाइनल है जी। कोई मान सम्मान की गुंजाइश जी? नहीं जी, जो दूंगा रस्से के साथ दूंगा। अच्छा, जो छोड़ोगे रस्से के साथ ही छोड़ोगे? हाँ, यानी कि खरीदते टाइम आप अपने मन से दोगे? हाँ जी।
जो भी छोड़ने वाली जगह होगी वो मन से आप छोड़ोगे? हाँ, मन से छोड़ूंगा। ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत शानदार है। 101% साहिवाल की। हाँ जी, जी कोई चेक करवाए। हाँ, प्योर साहिवाल है, प्योर ब्रिड साहिवाल। हाँ, डेरा की गाय है, रवे की। अच्छा जी, ठीक है जी भाई साहब। जैसा व्यूअर्स आपको चालू वीडियो में बताया था कि दूसरी गाय ब्याहने वाली है, इसको भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बछड़े को जन्म दिया है गाय ने, अभी नाक साफ कर दी है जी। हाँ जी, ठीक है जी। केसरिया बुल की बछड़ी है ये, आप माँ है जो? केसरिया बुल की बछड़ी है, बछड़ा है, दो ही दांत है। अच्छा, ये खुद गाय जो है ये केसरिया बुल की है? ये केसरिया बुल की है। अच्छा, गाय केसरिया बुल की है। हाँ जी, और बछड़े को जन्म दिया है अभी। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब, सफाई कर दे। किशन जी, भाई साहब इस गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। पहला ब्यांत है जी, पहला ब्यांत है और नीचे बछड़ा है। अच्छा, इसके साथ मेल काफ है? हाँ जी, बछड़ा है। कितने दिन की ब्याही होगी जी? ब्याही 12 दिन की होगी जी। 12 दिन की? हाँ जी। तो दूध तो तैयार कर लिया होगा जी, जितने की हाँ, इसकी कैपेसिटी है? हाँ, दूध बना लिया जी, जितना बनाना था, मान के चलो 12 किलो दूध है। 12 किलो है अभी तैयार वाला। इतने की मिल्किंग अगर कोई देखना चाहे तो करवा देंगे। ठीक है जी, काफी शानदार है जी। अंडर क्वालिटी लट्टू थन है। हाँ जी, नीचे से गोल है और अंडर क्वालिटी भी बेहतरीन है, खूबसूरत नाभ भी है, बिना सींग वाली साहिवाल है। हाँ जी, घर में पालने के लिए गायें काफी परफेक्ट रहती है। इस गाय में भी आप बता रहे हो 12 लीटर दूध तैयार है? हाँ, 12 लीटर दूध तैयार है, चार ही दांत है अभी मुंह से, चार दांत है। हाँ, ठीक है जी भाई साहब। हाँ, दूध ये कितना बना लेगी जी? ये 12 लीटर तो अभी तैयार हो गया है, कोई लीटर और बना सकती है, लीटर के आसपास और तैयार कर सकती है। क्योंकि जो मालिक के पास इसकी कैरी नहीं हुई, गरीब आदमी था, देने चारे को चारा भी नहीं था। अच्छा जी, अगर किसी बढ़िया कस्टमर के पास होती तो 16 लीटर तक निकालती दूध। अच्छा जी, हाँ, कीमत क्या रखोगे जी? कीमत इसकी 32,000 रुपए है जी। 32,000? हाँ जी, 32,000 रुपीज। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। एक गाय आपने स्टार्टिंग में बताई थी 30,000 की। हाँ जी, और ये वाली 32,000 में। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। व्यूअर्स, ये गाय आपके सामने ब्याह चुकी है, भाई साहब से पूरी डिटेल ले लेते हैं। भाई साहब, कौन सा ब्यांत है जी ये गाय का? पहला ब्यांत है जी, पहला ही ब्यांत है और दो ही दांत है और मुंह से दो दांत है। हाँ जी, ठीक है जी। ये तो सभी व्यूवर्स जान चुके होंगे कि काफ क्या लेके आई है। हाँ, बछड़ा ये तो व्यूवर्स आपकी नजरों के सामने ही गाय आई है। हाँ जी, और बछड़ा ले आई है, भाई साहब से जानकारी लेने की आवश्यकता इसमें अनुभव नहीं हो रही है। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। दूध का क्या उम्मीद करोगे जी? दूध की इसकी उम्मीद है जी 16 से प्लस जाएगी। पहले ब्यांत में केसरिया बुल की बछड़ी है, संत नगर की। अच्छा, खुद केसरिया बुल की बछड़ी है? ठीक है जी भाई साहब, क्योंकि उसका रिकॉर्ड 16.5-17 लीटर दो दांत की बछड़ी का रहता है। अच्छा, केसरिया बुल का जो है? हाँ जी, ये उसी की बछड़ी है। हाँ, इनामी बुल है जी, इनामी बुल है। हाँ, ठीक है जी भाई साहब। कीमत क्या रखोगे जी इस गाय के लिए? इसकी कीमत 65,000 रुपए है जी। 65,000 रुपए? हाँ जी, 65,000 रुपीज। हाँ जी, ये भी फाइनल वाला प्राइस है जी? ये भी फाइनल है आपका? फाइनल है। ठीक है जी भाई साहब, और बिल्कुल शांत गाय, शांत पहले ब्यात में ही ऐसी शांत। अभी ब्याही है नहीं तो गाय नजदीक नहीं आने देती, नजदीक नहीं आने देती। बछड़ी स्वभाव व्यूअर्स आप देख सकते हैं, भाई साहब की ये गाय अभी ब्याही है, अंडर क्वालिटी बेहतरीन है और ऐसा स्वभाव बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। पहले ब्यांत में जो अभी ताजा ब्याही है और अंडर पर हाथ घुमाने दे रही है, स्वभाव तो लाजवाब है जी। हाँ जी, अंडर क्वालिटी भी बेहतरीन डेवलप हुई है, गाय ताजा ब्याही है, अभी कुछ देर पहले ही बच्चे को जन्म दिया आपके सामने ही।
भाई साहब ने जो प्राइस बताई है ये बड़ी रीजनेबल है। हाँ जी, जैसी गाय है उसके अकॉर्डिंग बड़ी रीजनेबल प्राइस है। व्यूवर्स, आपने वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ कृष्ण जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शानदार गाय दिखाई जी आज के वीडियो में। और हमें गाय ऐसी आप रेगुलर अवेलेबल करवाते रहें, हाँ जी। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो के इंतजार में रहेंगे। हमारी यही कोशिश रहती है जी, बढ़िया से बढ़िया ब्रीड, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी कस्टमर को लेके जाएं, हमारा गोवंश बढ़िया क्वालिटी आगे तैयार हो। ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यही कोशिश करते हैं भी, इससे बढ़िया गाय आए, इससे बढ़िया आए अगली बार जी। अभी उम्मीदें हमारी आपसे और बढ़ चुकी है, उम्मीद करेंगे और अच्छी गाय आप लेके आएंगे। हाँ जी, टॉप क्लास लेके। ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी।